हाय हेलो एवरीवन वेलकम टू मैरबाट बायो दिस इज़ योर शिवानी मैम सो गाइस बहुत टाइम से आप लोग ये चीज़ डिमांड कर रहे थे कि मैम हमारे लिए बॉयज़ के लिए स्पेशली क्या इस देर एनी ऑप्शन नीट के अलावा कि जिसके थ्रू हम लोग डायरेक्ट एम्स में एडमिशन ले सकते हैं यस बच्चों यू हैव अ वेरी गुड ऑप्शन विच इज़ योर एम्स बी एंट्रेंस एग्जाम एग्जाम अब ये होता क्या है इसके बारे में मैं आप लोगों को छोटा सा इंफॉर्मेशन देना चाहूंगी यहाँ पे स्पेशली सबसे पहले एम्स ये एंट्रेंस एग्जाम है जो कि खुद से एम्स कंडक्ट कराता है दिस इज योर एम्स बीएससी एस एंट्रेंस एग्जाम अब ये एग्जाम कब होता है आपका बच्चों ये एग्जाम होने वाला है आपका सिक्स ऑफ जुलाई में ऑब्वियसली बच्चों अब आप एक चीज यहाँ पे देख सकते हैं कि आप लोगों के पास जो नीट एग्जाम है वो कब होता है नीट एग्जाम होता है आपका फिफ्थ ऑफ मे में देन आपके पास एक्स्ट्रा कितना टाइम बच जा रहा है आपके पास एक्स्ट्रा टू मंथस है तो अगर आप लोगों को लगता है कि आपने नीट में अच्छा परफॉर्म नहीं किया है तो उस केस में आप लोग टू मंथ्स के एक्स्ट्रा रिविजन के साथ ये एग्जाम दे सकते हैं आप लोग अच्छे से रिविजन करें revision करके आप इस के बैठ सकते हैं अब मेन चीज आती है कि नीट के जो रजिस्ट्रेशन है वो आपका कब स्टार्ट हो जाएंगे वो अभी आपका जन मिड में स्टार्ट हो जाएंगे तो आपको इसका फॉर्म फिल कर लेना है एज वेल एज आप लोगों को एम्स बी एस सी पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम का भी फॉर्म फिल करके रखना है जो कि आपका फेब्री मिड में अनाउंस हो जाते हैं इसके फॉर्म्स ठीक है अब ये एग्जाम कौन दे सकता है exactly एग्जैक्टली ये एग्जाम हमारे बॉयज एज वेल एज गर्ल्स दोनों दे सकती है जैसे कि हमारे पास स्पारशलिटी की जाती है कि एम्स बीएससी नर्सिंग का एग्जाम सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स दे सकती है बट इस एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं है ये एग्जाम बॉयज भी दे सकते हैं गर्ल्स भी दे सकती है नेक्स्ट कंफ्यूजन हमारे बच्चों को ये रहता है कि स्पेशली गर्ल्स के लिए कि मैम हम बी नर्सिंग का अगर एग्जाम दे रहे हैं तो क्या हम पैरामेडिकल की भी दे सकते हैं एग्जैक्टली आप अगर बी नर्सिंग का एग्जाम दे रहे हैं तो आप पैरामेडिकल का भी एग्जाम दे सकती हैं बिकॉज बी नर्सिंग का जो एग्जाम है आपका एम्स बीएससी नर्सिंग का एग्जाम वो कि आपका एटीन तो जून में है तो आप इस एग्जाम के लिए भी बैठ सकते हैं अब नेक्स्ट चीज आती है कि मैम क्या इस बीएससी पैरामेडिकल को करने के बाद भी हमको एक अच्छा ऑप्शन मिल सकता है एग्जैक्टली अगर आप लोगों ने बीएससी पैरामेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम दे उसको क्लियर किया है तो क्लियर करने के बाद आपको एक बहुत अच्छा ऑप्शन मिल सकता है कि आप एम्स के अंदर ही कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब कर सकते हैं एम्स तो आपको मिल ही मिल रहा है एज वेल एज आप लोगों को यहाँ से एक बहुत अच्छा जॉब का भी ऑप्शन मिल जाता है इसका क्या पेपर पैटर्न रहता है क्या सिलेबस रहता है वो मैं वीडियो के एंड में बताने वाली हूँ तो मेक श्योर sure वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड अगर अभी तक आप मेरे चैनल पे नए हैं आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को सब्सक्राइब करने का आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा कि इस एंट्रेंस एग्जाम का कब फॉर्म रिलीज होगा आप लोग मिस

कमीशन आप लोगों को सेम चैनल पे मिलेगी तो आप कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना है आपको चैनल सब्सक्राइब करके रख लेना है अब आ जाते हैं हम लोग सबसे पहले सीट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास किस एम्स के अंदर हमारे पास कौन कौन सा ऑप्शन अवेलेबल है बच्चे सोच रहे हैं मैम पैरामेडिकल में क्या हमारे नाम के आगे डॉक्टर लगेगा ऑब्वियसली बेटा आप लोगों के नाम के आगे डॉक्टर लगाया जाएगा अगर आप पैरामेडिकल का कोर्स करते है बिकॉज आप एम्स से कर रहे होंगे अब देखो अगर आप एम्स डेली में जाते हैं तो एम्स डेली में जाने के बाद आपके पास ऑप्शन है बीएससी ऑप्टोमेट्रिक का आप बी एस कर सकते हैं इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाया हुआ है जो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा अगर आप बीएससी ऑप्टोमेट्रिक सीट देखें तो टोटल ट्वेंटी फोर सीट अवेलेबल है एम्स डेली के अंदर एम्स दिल्ली से ही आप मेडिकल रेडियोलॉजी भी कर सकते हैं ये कि आज के टाइम का बहुत ट्रेंडिंग ऑप्शन है आपका रेडियोलॉजिस्ट एज अ रेडियोलॉजिस्ट इसकी टोटल इलेवन सीट्स अवेलेबल है बच्चों ये मत सोचना कि इसकी इतनी कम सीट्स है तो हम तो कहाँ स्टैंड करेंगे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है बच्चों इस एग्जाम के बारे में बहुत कम बच्चों को पता रहता है बिकॉज इस एग्जाम का कोई प्रिपरेशन नहीं कराता है कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट कुछ नहीं कराता है तो बच्चे बहुत कम इस ऑप्शन के अंदर जाता है तो आप लोग ज्यादा भीड़ में ना जाके आप लोग ऐसी जगह पे जाके खड़े हुए हैं ना जहा पे बहुत कम लोग ऑलरेडी उस चीज में लगे हुए हैं तो आपका ज्यादा अपॉर्चुनिटी आपके ज्यादा चांसेस बन जाएंगे इस एग्जाम में क्लेरिफाई करने के नेक्स्ट आता है आपका डेंटल ऑपरेटिंग रूम असिस्टेंट में में आप जा सकते हैं एम्स उसकी सिर्फ दो अवेलेबल है अब आप बोलोगे मैम क्या हम कोई कोर्सेज सेलेक्ट करने पड़ेंगे नहीं बेटा है. जब आप एंट्रेंस एग्जाम देंगे तो आपका सभी कोर्सेज के लिए होगा फिर एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद आप ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप किस ऑप्शन के अंदर जाना चाहते हैं या आपको कौन सा ऑप्शन मिल रहा है वो सारी चीजें आप लोगों को काउंसलिंग के टाइम पे मैं खुद समझाऊंगी ठीक है नेक्स्ट आप इसी एम्स दिल्ली के अंदर ही ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी के अंदर आप जा सकते हैं जो कि एक बहुत अच्छा ऑप्शन कंसीडर किया जाता है इसके अंदर आपकी 20 सीट्स है सबसे ज्यादा हमारे पास ऑप्टोमेट्री एंड आपका ओटी की सीट्स अवेलेबल है फिर आ जाते हैं हम अपना एम्स बिलासपुर के अंदर अगर आप देखें तो एम्स बिलासपुर के अंदर आपका डायलाइसिस थेरेपी वाला कोर्स है आपका ये इसके अंदर फाइव सीट्स है मेडिकल लेब टेक्नीशियन एम बहुत अच्छा ऑप्शन कंसीडर किया जाता है इसके अंदर भी आपके टेन सीट्स अवेलेबल है मेडिकल रेडियोलॉजी फाइव सीट्स अवेलेबल है ऑपरेशन थिएटर में आपका थर्टीन सीट्स अवेलेबल है भुवनेश्वर के अंदर तो ये सारी सीट्स हमारे पास भुवनेश्वर की अवेलेबल है देन अगर आप देखेंगे यहाँ पे जोधपुर के लिए एम्स जोधपुर में आपका कौन कौन सी सीट्स अवेलेबल है परफ्यूजन टेक्नोलॉजी एम रेडियोलॉजी रेडिएशन थेरेपी टेक्नोलॉजी ओ टी टी सबसे अच्छा ऑप्शन पर्सनली आई सजेस्ट की बच्चों एम एल टी ऑप्टोमेट्री एंड आपका ऑपरेशन थिएटर बी ओ टी टी ए वाला ये सबसे अच्छे बेस्ट थ्री ऑप्शन है जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चे जाते हैं इनका सीट्स आप देख सकते हैं टेन फाइव टेन इतना ही अराउंड सीट्स है एम्स ऋषिकेश में आप देख सकते हैं इसके अंदर कुछ अलग ऑप्शन भी अवेलेबल है एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी यूरोलॉजी रेडियोथेरेपी स्लीप टेक्नोलॉजी रेस्पिरेटरी थेरेपी इनके लिए अलग अलग सीट्स अवेलेबल है देन आप एम्स बेबीपुर के अंदर एंड एम्स रायपुर में अगर आप देखें तो ये आपके टोटल अगर हम मान के चलें तो हमारे पास टोटल टू सिक्सटी फाइव सीट्स है बट इसके अलावा भी ये सीट्स कुछ एड ऑन हुई हैं जिसमें थ्री हंड्रेड प्लस सीट ही आपकी हो चुकी हैं तो बेस्ट ऑप्शन मैंने आप लोगों को बताया कौन कौन सा है बी एस सी ऑप्टोमेट्री रेडियोथेरेपी एम एल टी एंड आपका रेडियोलॉजी वाला ऑप्शन ऑपरेशन थेरेपी वाला भी बहुत अच्छा ऑप्शन कंसीडर किया जाता है तो ये नहीं मान के चलना है कि मैम यहाँ पे तो सीट्स बहुत कम है बेटा सीट्स कम है तो चांसेस भी तो ज्यादा है आप लोगों के बिकॉज यहाँ पे क्राउड बहुत कम है एंट्रेंस एग्जाम अगर आप ये देना चाहते हैं तो इसका फॉर्म रिलीज हो जाएगा रजिस्ट्रेशन फीस जो होती है आपकी जनरल ईडब्ल्यू एस वाले बच्चों के लिए इसकी जो फीस रहती है वो आपकी टू थाउजेंड रहती है देन आपका सिक्सटीन हंड्रेड रहता है एस सी ओ बी सी एस टी कैटेगरी वालों के लिए ठीक है आपका पीडब्ल्यू बी डी कैटेगरी वालों के लिए कोई फीस नहीं है देर इज नो फीस अब आ जाते हैं हम लोग इसके एग्जाम पैटर्न के ऊपर कि एग्जैक्टली exactly इसका एग्जाम पैटर्न कैसा रहता है अब एग्जाम पैटर्न में बच्चों अगर आप देखें कि हमारे पास बीएससी नर्सिंग के लिए ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुकी हूँ सीबीटी मोड में ये आपका पेपर कंडक्ट कराया जाता है लेकिन अगर आप बी पैरामेडिकल के लिए देखेंगे बी पैरामेडिकल का आपका डेढ़ घंटे का एग्जाम होता है वन पॉइंट फाइव आर का इसके अंदर भी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपके फोर पार्ट्स होते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो एंड मैथ्स अब बायो और मैथ्स में से कोई भी आप एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं ठीक है तो आपका टोटल क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे नाइनटी क्वेश्चन आते हैं थर्टी क्वेश्चन आपके फिजिक्स से आएंगे थर्टी क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री से आएंगे थर्टी क्वेश्चन आपके बायो से आएंगे एंड अगर आप सिलेबस की बात करेंगे बच्चों तो इसका जो सिलेबस होता है वो प्रॉपर वही इलेवंथ एंड ट्वेल्थ का सिर्फ और सिर्फ बेसिक वाला पार्ट रहता है इसका एग्जाम भी बी एस पैरामेडिकल का सिर्फ और सिर्फ दिल्ली एनसीआर में कंडक्ट कराया जाता है लेकिन जो हमारा एम्स सी नर्सिंग का एग्जाम होता है वो आपका अलग अलग स्टेट्स में कंडक्ट कराया जाता है जैसे आपका गुवाहाटी पटना रायपुर चंडीगढ़ दिल्ली बेंगलोर अलग अलग जगह पे कंडक्ट कराया जाता है लेकिन बी पैरामेडिकल और बी पोस्ट बेसिक ये अभी आप लोगों के लिए बेनिफिट का नहीं है ये आपका सिर्फ दिल्ली एन में ही होता है आई होप आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी इस एग्जाम के बारे में मैं फिर से एक बार बता देती हूँ इस एग्जाम के बारे में आप लोगों को सिर्फ क्या करना है आप लोग जो नीट के लिए पढ़ रहे हैं ना उसी को ही आपको नीट एग्जाम के बाद अच्छे से रिवाइज कर लेना है तो आप लोगों का मेन चीज है कि आप अभी अपना फॉर्म फिल करके रखेंगे सबके सब मैंने लास्ट वीडियो में एक कॉमन मिस्टेक करके वीडियो बनाया हुआ जिसमें बच्चे सबसे ज्यादा गलती करते हैं वो है आप लोगों का अपना एक प्रॉपर कास्ट सर्टिफिकेट आप लोगों के पास होना चाहिए अगर आप ईडब्ल्यू एस या फिर ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो एम्स का ये डिमांड रहता है कि जो आपका ईडब्ल्यू एस और ओबीसी का सर्टिफिकेट है वो आपका जून टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री से लेके जून 2024 के बीच का ही बना हुआ होना चाहिए अगर आपका इससे पहले का बना हुआ है या नहीं बना हुआ है तो आप लोगों को उसको अपडेट करा लेना है अगर इसी डेट का बना हुआ आपका सर्टिफिकेट होगा तभी आप लोगों का जो काउंसलिंग है वो इस कैटेगरी के अकॉर्डिंग होगा अलग एम्स आपका काउंसलिंग जनरल कैटेगरी के जैसे करेगा ये आप लोगों को ध्यान रखना है तो फेब में आपका फॉर्म रिलीज होने वाले हैं तो आप लोगों को अभी से अपने सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके रख लेने हैं आई होप आप लोगों के लिए वीडियो बेनिफिशियल रहा होगा एंड सभी बच्चे इस चीज को बहुत सीरियसली कंसीडर करेंगे कि ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन कंसिडर किया जाता है बिकॉज आप लोगों को यहाँ पे डायरेक्ट एम्स से कोर्स करने के लिए मिलता है नीट एग्जाम में एम्स नीट एग्जाम के थ्रू एम्स में जाना इट्स वेरी डिफिकल्ट हमारे जो कम पोटेंशियल वाले बच्चे होते हैं या फिर एवरेज पोटेंशियल वाले बच्चे होते हैं उनको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है तो बच्चों कॉम्प्रोमाइज प्राइवेट कॉलेज के कंपैरिजन में आप एक एम्स में ही कर लो कि एम्स ही एक बहुत अच्छा कोर्स आपको करने के लिए मिल रहा है बट द बेस्ट इज कि बच्चों को ये पता नहीं होता है कि ऐसा भी कोई ऑप्शन अवेलेबल है लेकिन आप लोगों के पास आपके शवानी मैम है जो आप लोगों को अच्छे अच्छे ऑप्शंस निकाल के लाके देती है तो मेक श्योर sure आप लोगों को इस फॉर्म को माइंड में रखना है जब भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा आप लोगों को रजिस्ट्रेशन के बारे में भी सारी डिटेल्स मैं शेयर करूंगी खुद से सो विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो बाय एवरी